क्या कभी आपने इस शहर में जो रीडेवलपमेंट के मुद्दे होते हैं, जो बहुत सारे तीस साल चालीस साल पुरानी बिल्डिंग होते हैं, ऐसे दो बिल्डिंग की मैंने न्यूज़ की है जो दस दस साल से बीस बीस साल से परेशान है उनको एफ नहीं मिलता उनको परमिशन नहीं मिलता क्या आप बिना सत्ता में रहते हुए भी ये सब कुछ कर सकते थे या फिर सत्ता में आने के बाद क्या आप इस पर विशेष ध्यान देंगे क्योंकि वो आम लोग हैं देखिए रीडेवलपमेंट का आज का कायदा तो मैं ये कहूँगा कितना घातक है आपको भी पता होगा आज भाईंदर में बिल्डिंगें टूट तो रही है लेकिन नया परमिशन किसी को भी नहीं मिल रहा है ये 90 परसेंट मेरा भाईंदर क्लस्टर डेवलपमेंट में डाला गया है और क्लस्टर के अंदर कम से कम दस हज़ार मीटर अगर मैं भाईंदर की जोग्राफिकल बात करूँ तो कम से कम पंद्रह बीस बिल्डिंगे जब तक एक साथ नहीं आएगी तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है एक बिल्डिंग अगर धोखाधाक डिक्लेयर हुई आजू बाजू में पंद्रह बिल्डिंग जब तक हाँ नहीं कहेगी उस बिल्डिंग का कुछ नहीं होना है इस तरह का ये क्लस्टर लाया गया क्लस्टर अच्छा है लेकिन जब बीस आदमी एक साथ आए तो या पंद्रह दस हज़ार मीटर का प्लॉट एक साथ हो तो इसलिए हमने कहा कि उसे ऑप्शनल रखे जिससे क्लस्टर जाना है क्लस्टर इंडिपेंडेंट जाना है इंडिपेंडेंट मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि बाहर अगर रिक्शा खड़ा है अब आप कहेंगे कि इसमें शेयरिंग ही जा सकते हैं आप अब जब तक वो अकेले हो कितनी भी इमरजेंसी हो जब तक चार पैसेंजर नहीं आएंगे बोले मैं जाऊंगा ही नहीं कैसे चलेगा इसलिए हमने कहा जिसे मीटर पे जाना है मीटर पे जाए जिसे ज्वाइंट शेयरिंग में जाना है शेयरिंग में जाए आपने कायदा बना दिया अब कि नहीं खाली इस पर शेयरिंग पर जा पाएंगे अकेला आदमी नहीं चलेगा कैसे चलेगा फिर किसी में अ, अलग अलग प्रकार के लोग चढ़ेंगे तो बोले नहीं मुझे इसके साथ नहीं जाना है फिर वो कहेगा इस बिल्डर के साथ नहीं जाना है उस बिल्डर इसलिए क्लस्टर बहुत ही घातक दूसरी सबसे बड़ी बात ये महाराष्ट्र एक्सपेरिमेंट के लिए मीरा भाइंदर ही चाहिए था क्या एक्सपेरिमेंट के लिए अब तक महाराष्ट्र में कहा क्लस्टर सक्सेस हुआ है कि जो मीरा भाइंदर में आप लेके आए आज गरीबों की परिस्थिति क्या है आम आदमी जिसने फ्लैट खाली हो गया है वो आम आदमी जूली बिल्डिंग जिसके 250 फुट 300 फुट के फ्लैट है उसका पगार सैलरी कितनी है 25,000 30,000 में काम करता है उसके अंदर घर खुद का था दूध वाला राशन वाला इनका पैसा जो है दो पाँच हजार बचा था आज उसका भाड़ा ही चला जाता था पंद्रह हजार रुपया बीस हजार रुपया उसके तो कर्ज में जा रहा है मैंने तो कई लोगों को देखा है ऐसे थैली लेके घूमते रहते बेचारे मतलब हमें तो एक तरह से लगता है कि यार क्या किया जाए इनका इसलिए हमने विश्वास दिलाया हम आएंगे क्लस्टर में कायदे में परिवर्तन लाएंगे जनता को कहेंगे जिसे सिंगल बनाना है सिंगल बनाए जिसे क्लस्टर जाना है क्लस्टर जाए ये कंपलसरी नहीं लगेगा एक यहाँ के लोक प्रतिनिधि अपने स्वार्थ के लिए अहूद क्लस्टर चाहिए था इसलिए पूरे मीराब्र क्लस्टर में डाल दिया ये इस शहर का बहुत बड़ा एक काला दिन कह सकते हैं हम मेहता जी एक सेकंड नरेंद्र जी ये बात सत्य है कि आप हारे या जीते जो नेता होता है जिसके नेतागिरी दमदार होती है उसी पे सवाल उठाए जाते हैं तो ये सवाल चूंकि उनकी उम्मीद आप हारने के बाद भी चूंकि आप नेता हैं तो आपको करना ही पड़ेगा ये विश्वास मैं देख रहा हूँ कि भाई ने पूछा आपसे ये भी बड़ी बात है चूँकि आपकी छवि लोगों के भीतर में है कि आप हारे हैं या जीते हैं आप चुन के आए या नहीं आए लेकिन उम्मीदों लोगों की बहुत बंधी हुई है इट शोज़ कि आप पाँच वर्ष भले विधान परिषद में नहीं बैठे हों विधानसभा में नहीं गए हों लेकिन लोगों की उम्मीदें हमेशा सदैव आपसे बनी हुई रही है 2019 के चुनाव है उस टाइम में भी हमले किए गए राजनीतिक हमले किए गए अभी भी किए जा रहे और अभी जो मैं सीधा अगर नाम लूँ तो अब तक का पाँच साल में नीला सोस ने कभी नाम लेकर के आप पर हमला नहीं किया था लेकिन इस बार उन्होंने बाकायदा नाम लेकर के हमला किया कि मार्केट में आपने बहुत बड़ा घोटाला किया है इस चीज़ को आप क्या जवाब देंगे इस संदर्भ में क्या लेना देना मेरा मार्केट से मेरा और घोटाला किस बात का मार्केट में आप मुझे वो बताएंगे पहले ये खाली एक, एक अफवाह उन्होंने क्यों कहा वो जवाब उनसे ही पूछिए लेकिन इस शहर के अंदर एक बाजू हमारे जो अभी कांग्रेस के उम्मीदवार है क्या आरोप लगा रहे क्या आपने शहर में मार्केट क्यों नहीं बनाया और आप क्या आरोप लगा रहे कि मार्केट क्यों बनाया ये मार्केट जब तक देखिए किसी भी जगह आप चर्चगेट से लेके विरार तक जाए फेरी वाले हर जगह मेरा हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि फेरी वाले को अगर न्याय देना है तो आपको मार्केट देना जरूरी है जनता को फुटपाथ देना है मार्केट जगह फेरी फाले खाली करना है तो पर्याय व्यवस्था देनी जरूरी है रोड की अगर पार्किंग आपको खाली चाहिए रोड खाली चाहिए तो पार्किंग के लिए पर्याय व्यवस्था देना जरूरी है हमने तो पहली बार इतिहास में अलग अलग जगह मार्केट के निर्माण किए अगर आपको पता होगा तो हमारे प्रमोद महाजन जी हॉल के सामने दो रिजर्वेशन थे आपत्ति जनाई इसलिए मार्केट मार्केट नहीं हुआ तो हमारा तो हमारा ये सपना है कि फेरी वाले को मार्केट मिले और जनता को फुटपाथ मिले और इसी दिशा में हम आगे काम करेंगे सर मेरा नाम अजीम तांबोली है वाई एस न्यूज से है स्वागत है आपका अक्सर मेहता जी एक आरोप आप पर हमेशा किया जाता है टी डी घोटाले का और ये जो क्लब बना है उस पर भी कई आरोप किया जाता है कि आपने बड़ा भ्रष्टाचार किया आज उसका खुलासा हो ही जाए नहीं ये अच्छा है कि एक बार खुलासा हो ही जाना चाहिए <laughs> पहले बताइए जिस आरक्षण की आप बात करें या इस शहर में जितने भी गार्डन हो प्ले हो मार्केट हो हॉस्पिटल हो अगर लोग टी नहीं लेते तो एक भी आरक्षण बनता क्या एक भी आरक्षण बनता क्या 1997 में डीपी मंजूर हुआ 1997 में हमारे यहाँ टी पॉलिसी आई मेरे ख्याल से दो के आसपास उन नौ साल में हमें कौन सी जगह मिली एक भी जगह नहीं मिली डेवलपमेंट करने के लिए टी पॉलिसी आई तो हुआ अब हमारी जो कंपनी है उसने टी डी आर लेना ही बंद कर दिया देखिए किसी भी जमीन को अधिग्रहण करना है कॉरपोरेशन हो स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल हो तो कायदा क्या है या तो आप टी डी आर लो या जो गवर्नमेंट ने रेट नक्की किया उसके पैसे ले लो और गवर्नमेंट ने किसी अलग अलग व्यक्ति के लिए नहीं एक कॉमन रेट नक्की किए हुए रेडी रेकनर है वो हिसाब से पैसे लो जिस दिन से टी के आरोप लगे हमारी कंपनी को लगता है हमने तो उल्टा शेयर का भला किया टी देखिए लेकिन वो आरोप इस तरह लगाया गया जैसे कि इसके अंदर हमने कंपनी का फायदा किया हालांकि टीडीआर का लेने के कारण कंपनी का करोड़ों रुपया नुकसान हुआ है कोई फायदा नहीं हुआ है अब कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई आप देखिए पिछले पाँच साल में टी डी नहीं लिया उन्होंने बोला हमें टी नहीं चाहिए आपको जमीन चाहिए अधिग्रहण करो पैसा दो चैप्टर क्लोज करो और सरकारी भाव से दो हमें ज्यादा भी नहीं चाहिए आज कितने कारण से काम सब रुके हुए अगर मीरा भाईंदर के सभी लोग ये कर दे कि हमें टी नहीं चाहिए मार्केट रेट दो तो आपको बता दूँ अगर नगर पालिका कल से लाइट बिल बंद कर दे पगार देना बंद कर दे कि पानी का बिल भरना बंद एक रुपया भी खर्च नहीं करे तब भी ये मीरा भाईंदर की सारी जमीन एक्वायर करने में बंद करने मतलब एक भी खर्च नहीं करे और जितनी आमदनी है कम से कम 20 साल लग जाएंगे उनको सारी जमीन एक्वायर करने के लिए इतना पैसा कॉरपोरेशन को लगेगा तो मैं तो जनता से कहूंगा अगर टी डी आर कोई लेता है तो उनका तो हाल माला देख स्वागत करना चाहिए धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि भैया शहर के ऊपर आपने उपकार किया है और मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं तो उस बिल्डर का या जो देने वाला होगा लैंडलॉर्ड होगा किसान होगा उनका तो आभार ही व्यक्त करूंगा कि आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की है कॉरपोरेशन को टी डी के बदले जगह देखिए क्या बात है मैं मिनट भाई साहब मैं भाई साहब को भी बहुत बधाई देता हूँ जो इतनी हिम्मत के साथ सेवन इलेवन क्लब में बैठकर नेताजी के सामने नेताजी के परिसर में तो आप बहुत और भाई साहब को भी बधाई देता हूं, कि उन्होंने खुलासे में क्लब की बात की वो भी खुलासा कर देता हूँ देखिए ऐसा है इन्होंने खाली क्लब ही कहा लेकिन मैं सभी खुलासे हाँ, कर वो देख दे। मैं देख लिया सभी खुलासे आपने कर दिए नहीं नहीं मैं कर देता हूँ दो हजार उन्नीस में एक नेरेटिव चलाया गया जी वही नेरेटिव आज भी सेट करने की कोशिश कर रहे जी नेटिव क्या था एग्जाम्पल मेहता साहब ने स्कूल बनाया बंगला बनाया हॉस्पिटल बनाया होटल बनाया क्लब बनाया ये सब इस प्रकार की अफवाह थी, यही थी ना लेकिन उस समय अगर व्यक्ति ने ध्यान से सोचा होता मैं विधायक बना अक्टूबर 2014, मतलब ऑलमोस्ट हम कह सकते 2015, दो ही महीने बाकी थे अब मैं जिस बंगले में रहता हूं उन्नीस सौ निन्यानवे से जब मैं राजनीति में नहीं आया था जी जिस होटल की बात कर रहे हो सी एन राव को उन्नीस सौ निन्यानवे में उसका भूमि पूजन हुआ दो हजार पांच में शुरू हुआ क्या लेना देना उस होटल का अभी अभी जिस स्कूल की बात की मोहन खान जी ने वो दो हजार सात में शुरू हुआ स्कूल बच्चे पढ़ते हो तो गूगल पे भी अवेलेबल है एस एस सी का रिजल्ट निकला हुआ है मैं उसे छुपा भी नहीं सकता दो हजार नौ में स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था उदाहरण दे रहा हूं तो क्या लेना देना मेरे विधायक बनने का इसका लेना देना कोई लेना देना नहीं था अब जिस क्लब की आप बात कर रहे हो ब्लू मून नाम का हमारा एक क्लब था 2004 में किसी कारण बेचा उसी समय अगर आप देखेंगे तो उसका सेल एग्रीमेंट और इसका परचेस एग्रीमेंट मुश्किल से दस दिन का फर्क होगा कि उसी समय जगह ली थी मैं राजनीति में इतना व्यस्त हो गया था कि हमें कभी समय नहीं मिला है बनाने के लिए जब कंपनी को समय मिला तो उन्होंने एक क्लब को खड़ा किया दूसरी बात आपको बता दूं, आप सबको मतलब जितने यहाँ बैठे हैं क्लब किसी कंपनी ने बनाया लेकिन उसका फायदा इस शहर के रहने वाले हर नागरिक को हुआ है आपको भी हुआ है आपको भी हुआ है आपको भी हुआ है, भी हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहना चाहूँगा एक मिनट के लिए मान लीजिए कल इस शहर में से हम मैक्स मॉल निकाल देते ठाकुर मॉल निकाल देते भक्ति विदान निकाल देते वोकाड हॉस्पिटल निकाल देते तुंगा हॉस्पिटल निकाल देते दालमिया निकाल देते आरबी के निकाल देते सेवन स्क्वायर निकाल देते जीसीसी क्लब निकाल देते सेवन इलेन क्लब निकाल देते एक दो चीजें और निकाल देते बताओ आपके घर की कीमत घटेगी के बढ़ेगी मेरा सवाल का जवाब दीजिए आप ही से पूछता हुआ घटेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी घटेगी क्योंकि शहर में अगर ये चीजें नहीं होगी तो फिर शहर का अस्तित्व क्या जब जब चीजें आती है बनाता कोई और है मैं उदाहरण को कल आपके घर के बाजू में एक बड़ा हॉस्पिटल आ जाए ताज होटल आ जाए आपके आजू बाजू की घर मैं गांव की बात करता हूं आपके गांव में ताज होटल आ जाए घर की कीमत बढ़ेगी कि घटेगी आपके गांव की वो ताज होटल नुकसान में चल रहा है कि फायदे में चल रहा है उसको ही पता लेकिन वो सबकी वैल्यूशन बढ़ाएगा इसलिए शहर में जब भी इमारतें बनती या कोई भी वास्तु आती है तो शहर का दर्जा बढ़ाती है आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूशन बढ़ाती है जिस दिन ये क्लब बना या सामने जितने फ्लैट है उन सब के कीमत पांच पांच दस दस लाख रुपया बढ़ गई इसलिए शहर में हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें आए जिसका हमारा शहर का वैल्यूशन बढ़े और शहर का दर्जा बढ़े और शहर की आमदनी बढ़े ये अकेला क्लब लाखों रुपया हाउस टैक्स भरता है अगर ऐसे सो क्लब मीरा भाइंदर में आए तो आपके हाउस टैक्स माफ हो जाए आपके हाउस टैक्स ही माफ हो जाए मुंबई में आज पचास हजार करोड़ रुपया एफडी है इसलिए 600 फुट तक के हाउस टैक्स माफ किए गए क्योंकि उनके पास बहुत सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जो टैक्स बड़े पैमाने में देते अगर ऐसी सो चीजें आई तो हाउस टैक्स ही माफ हो जाए शहर का तो ऐसे चीज़ों का तो स्वागत करना चाहिए कि इस शहर का वैल्यू और दर्जा बढ़ा रहे बिल्कुल सत्य बात है पत्रकार साथियों एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं तुरंत आपके सवाल को लूंगा देखिए आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है ट्रंप वहां चुनाव लड़ रहे हैं बहुत बड़े इंटरप्रीनियर हैं मिडिल मिडिलईस्ट में चले जाएं जितने राजा हैं वहीं वहां के लोकतंत्र और प्रजातंत्र को और जिस तरीके से आप देखें एनआरके आर जो भी कहें वही संभाल रहे हैं तो हमारा लीडर यदि एक एंट्रप्रेनर भी हो तो हम उसको पॉजिटिव और इंस्पायरिंग रूप में देखना चाहते हैं उस रूप में देखें तो और अच्छी बात होगी क्योंकि एक लीडर के अंदर अगर कई क्वालिटीज़ है तो वो हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रमोट कर सकता है और कई लोगों को एम्प्लायमेंट जनरेशन भी कर सकता है और फिर उसको घट घोट घोटाले घट, घपले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश बिहार या बंगाल इस तरीके के राज्य के नेताओं में जो बदनामी होती है तो हम तो आपको बधाई देते हैं नरेंद्र जी ये इट शोज योर पर्सनैलिटी चूंकि आप राजनीति में जब नहीं थे तब भी व्यवसाय करते थे और राजनीति में आए हैं आपका अपना भी बौद्धिक विकास हुआ है आपकी अपनी भी क्षमता बढ़ी है तो आपने अपने क्षमता से अपना भी विकास किया इसको सकारात्मक दृष्टि से भी देखी जा सकती है लेकिन ये जनता की अदालत है ये पत्रकारों की अदालत है सवाल तो बनेंगे ही जी अगला सवाल मेहता साहब मेरा सवाल आपसे रहेगा आ, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने पहली मरतबा ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया कि पत्रकारों के आपने अदालत लाए तो यहाँ पर लगाए और सभी पत्रकार यहाँ पर मौजूद है आपको बधाई देता तो। हूँ सवाल मेरे दो है मेहता साहब एक तो ये 2019 के बाद से लेकर 2024 तक आप किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहे लेकिन आप भारतीय जनता तो पार्टी से भी टूटे नहीं अलग नहीं हुए पिछले ढाई सालों से आपकी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार है यहाँ पर आपने उस दौरान टेम्बा हॉस्पिटल जो जहाँ जा, पर सुविधा का अभाव है एक टैम्बा हॉस्पिटल और दूसरा यहाँ की जो हमारी कोर्ट है उसके लिए कभी कोई प्रयास क्यों नहीं किया ये मेरा एक सवाल दूसरा मेरा सवाल ये कि पिछले साल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों हमारे मीरा भिंद्र शहर में कई सारी जगहों के उद्घाटन हुए भूमि पूजन हुए जिसमें मुख्य रूप से सरकारी हॉस्पिटल है महापालिका की इमारत है उस जो भूमि पूजन हुए थे उसको लेकर आप कैसा देखते हैं और क्या वाकई में वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो पाएगा भविष्य में देखिए ऐसा है कि इस शहर में 2016 की आबादी करीबन 12 लाख के आसपास थी 33 प्रतिशत आबादी ऐसी थी जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते अगर उनके घर में कभी बीमारी आ जाए ना तो आदमी कर्जे में चला जाता है या अपना जीवन भर में जो बचाया होता है वो एक दिन में ख़त्म कर देता है पहले भी शहर में हॉस्पिटल की ज़रूरत थी लेकिन कोई भगवती जाता था कोई कैम कोई नायर इस प्रकार का और वहाँ पे बेड भी नहीं मिलते थे और कई पेशेंट मैंने लोकल देखे जो फिर वहाँ ज़मीन पे बैठ के अपना इलाज कराते थे या ज़मीन पे लेट के तब पीड़ा होती थी या हॉस्पिटल जब था आप सबको पता है कि हॉस्पिटल तो इमारत दो में बनी लेकिन किसी ने शुरुआत करने की हिम्मत ही नहीं की किस लिए कि हॉस्पिटल का खर्चा सालाना सौ करोड़ के आसपास और उस समय म्यूनसिपल टैक्स रेवेन्यू था डेढ़ सौ करोड़ कि ये चलाएगा कौन सफ़ेद हाथी है मुझे भी अच्छे अच्छे लोगों ने सलाह दी थी कि हॉस्पिटल शुरू मत करिए लेकिन हमने कहा था जो होगा देखा जाएगा शुरुआत करेंगे और वो शुरुआत की और महाराष्ट्र सरकार से हमने विनती की कि हॉस्पिटल हमने प्राथमिक यहाँ पर सुविधाएँ शुरू की है इसे हमें मल्टी स्पेशलिटी करना है इसलिए इसको सरकार ताबा ले सरकार इसको खर्चा करे और फिर उस समय सुधीर भाव मुंगंटीवार ने मंच भी कहा था तो केंद्र महाराष्ट्र सरकार इसको चलाएगी बाद में दो ढाई साल प्रोसेस में लग गए और उस सरकार ने ताबा लिया अब सरकार चला रही उसके बाद मैं रानी ढाई साल तो मेरी सरकार भी नहीं थी ना देवेंद्र फडणवीस थे ना और कोई था कांग्रेस और यू की सरकार थी तो वहाँ कुछ मांगना तो छोड़िए जो मंजूर थे वो भी कैंसिल किए जैसलपा गोडबंदर लिंक रोड की बात हो दिसर लिंक रोड जो चालू थे वो भी रद्द के नया क्या देते वो इसलिए मांगने की कोई लॉजिक ही नहीं था उसके बाद हमारे वर्तमान विधायक से ये सवाल पूछना चाहिए आप इतने करोड़ लाए उतने करोड़ लाए तो फिर हॉस्पिटल का क्यों नहीं हुआ ये प्रश्न तो मेरा भी है उनसे कि उन्होंने हॉस्पिटल को क्यों नहीं अपग्रेड किया कोर्ट को जो मेरा सवाल था कि कोर्ट देखिए आपकी जानकारी के लिए उस कोर्ट को पहले तो उसके काम बाकी थे एक बार नहीं दो बार एक बार हम मिले दूसरी बार एडवोकेट को लेकर रविंद्र चौहान साहब को मिले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनको कुछ फंड की आवश्यकता थी वो फंड दिलाया सब कुछ हुआ अब राह सवाल कोर्ट को जो निर्णय लेना है वो जुडिशियल प्रोसेस होने के कारण वो शुरू नहीं हो रहा है वो पॉलिटिकली अटका हुआ नहीं है जुडिशियल प्रोसेस के कारण रुका हुआ है आपको विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद जुडिशियल प्रोसेस के अंदर भी जो पहल करनी होगी कि शहर की जरूरत है उस दिशा में हम काम करेंगे और भूमि पूजन को लेकर आपका जवाब नहीं आया सर जो भूमि पूजन हुए मुख्यमंत्री के हाथों उनको लेकर आप कैसा देखते क्योंकि आप भी शहर के एक नागरिक है कई सारे पदों पर भी रह चुके हैं मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के जो भी लोकल पॉलिटिकल व्यक्ति होता है वो चाहते हैं कि नेता आए और उस वास्तु का भूमि पूजन करे ये सभी की ख्वाहिश होती है और तब शायद नेता उतनी डिटेल में जाते नहीं है कि भूमि पूजन करे शुरू होगा कि नहीं होगा आपको पता होगा जब वो बिल्डिंग बन रही थी हमने तो उसके बहिष्कार भी डाला था और विरोध भी किया था कि बिल्डिंग बन ही नहीं सकती है और आज वही हो रहा है हमने जो कहा था वो भूमि पूजन तो हुआ लेकिन हुआ ही नहीं आज तक ये स्वाभाविक है ऐसी कई सारी इमारतें जो आज भी मैं कह सकता हूँ कि ये होने वाली नहीं है मैं मैं चतुर्भुजा पांडे हिंद सागर आ, मैं चतुर्भुजा पांडे हिंद सागर सर मेरा सवाल है कि आपने क्लस्टर प्लान के बारे में बताया कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है दिख नहीं इदा, रहा इदा, 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 इदा। हाँ, <laughs> माइक वो पकड़ के रखे हैं तो हाँ। हमें लगा की तो हाँ। 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 आपने क्लस्टर प्लान के बारे में बताया है पर इस बिल्डिंग शहर इस की बिल्डिंग रीडेवलप कैसे हो लोग इसके बारे में जानकार कैसे हो उसके लिए आप क्या करेंगे नहीं मैंने हमने आपसे यही कहा है कि इस कायदे को अमेंड करना जरूरी है और कायदा अमेंड नहीं होगा तब तक बिल्डिंगें बन नहीं सकती है और हमने जनता से वादा किया है कि हम आने के बाद इस कायदे को अमेंडमेंट करेंगे जो मैंडेटरी है उसको ऑप्शनल करेंगे ऐसा मैंने कहा नहीं। पब्लिक कैसे जानकार होगी इसके बारे में नहीं तो मैं कही रहा हूँ ना कि हमारे साथ पब्लिक के साथ इतना खतरनाक कायदा लाया है कि आम आदमी को देखा है मैंने बिलकते हुए ठेरी लेके घूमते हुए कि इस तरह के कायदे लाए जिसके हाथ नहीं पैर नहीं आगे नहीं सोचा पीछे नहीं सोचा और क्या जरूरत थी कि मीरा भाईंदर में इसके पहल करने की महाराष्ट्र इतना बड़ा कहाँ पर क्लस्टर सक्सेस हुआ यही तो हम कह रहे हैं इसलिए हमने कहा कि इस कायदे में आने के बाद अमेंड करेंगे ताकि जनता को न्याय मिल सके जी एक सेकेंड नेताजी आप बहुत सुंदर और बहुत ही शानदार और दमदार जवाब दे रहे हैं न्यायपालिका चूँकि मैं भी एक लॉयर हूं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं तो ये बात सत्य है कार्यपालिका की अपनी एक जिम्मेदारी है न्यायपालिका की अपनी जिम्मेदारी है लेकिन कार्यपालिका ही न्यायपालिका को लेकर आती है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और उसको पब्लिक तक पहुँचाना अवेयरनेस के रूप में हालांकि आप तो घर घर छाए हुए हैं लेकिन अवेयरनेस आपको कोई भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं जैसे भी प्रधानमंत्री हर प्रयास कर रहे हैं कि ये देश हमारा विकसित भारत बने और सबसे पहले एक एक व्यक्ति अपने परिवार में मजबूत हो विगत दिनों हरियाणा के चुनाव हुआ पूरी दुनिया ने कहा कि कांग्रेस जीत रही है सारे सर्वे सारे मीडिया सब कुछ बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है और वो लोग सीएम का पद तय कर रहे थे जी। लेकिन योगी ने पूरे हरियाणा का काया पलट कर दिया मीरा भर में भी कुछ लोग जीत के ख्वाब में आज भी हैं तो आपको टिकट मिला है क्या ऐसा आप भी कोई गेम चेंजर मुद्दा लाएंगे कि सब लोग चारों खाना चित हो जाए ये कटेंगे तो बटेंगे वाले सवाल डायरेक्ट पूछ रहे हैं मैंने तो गेम बहुत पहले ही प्लान कर लिया है अब कहाँ से लाऊंगा निगम जी वो गेम हमने बहुत पहले ही प्लान कर लिया है सर निगम जी सर। कुल मिला के योगी जी को बुलाना चाहते हैं योगी जी के फैन हाँ लग रहे हैं आप आ, सर मेरा क्वेश्चन रिजर्वेशन uh, के रिगार्डिंग में है जैसे कि अभी नया डी प्रपोज हुआ अभी तक फाइनल नहीं हुआ है लेकिन इस नए डीपी में जितने भी चेंजेस हुए उसमें सबसे ज्यादा फायदा नेताओं के और यहाँ के जितने भी बिल्डर्स वगैरह है उनके ही पॉजिटिवली फायदे दिख रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपका क्लब जो एंडी जोन में था आज वो जमीन आर जोन में आ गई है सेकेंड आपका जो हॉस्पिटल था सेवन इलेवन हॉस्पिटल आज फैमिली केयर हॉस्पिटल के नाम से चल रहे हैं वो भी रिजर्वेशन पे था सर लेकिन वो रिजर्वेशन ही डिलीट कर दिया वो जमीन भी आर जोन में डाल दी है थर्ड अगर मैं बात करूँ इको सेंसिटिव जोन में अगर किसी दूसरे नेता का प्रोजेक्ट आ रहा है इको सेंसिटिव जोन में वो जमीन भी आर आर वन में डाल दी है तो इसमें फ़ायदा पब्लिक का ज़्यादा हुआ है कि नेताओं का ज़्यादा हुआ है सर नहीं देखिए पहली बात तो ये वो डीपी को रद्द करने के लिए हमने दिनेश जैन के नाम से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि डीपी रद्द किया जाए इससे ये तो स्वाभाविक है कि वो डीपी के अंदर हमारा कोई तीसरी बात हम कोई सरकार में नहीं थे मतलब सॉरी सरकार के अंदर मैं कोई विधायक नहीं था कि मैंने उसका कोई एडिशनल बेनिफिट लिया है और ये जो डी हुआ है यहाँ पर ढोले साहब नाम के कमिश्नर थे बिल्कुल सर उनके सुझाव समिति जो भी हुआ रहेगा अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं पता उस बारे में लेकिन आपको बता दूं मेरा भाई ऑलमोस्ट 60-70 परसेंट डेवलप हो चुका है अब अगर 20 पच मैं शहर की बात करता हूं मैं राईम उधर की बात नहीं करता हूं पंद्रह बीस टका ही है नो डेवलपमेंट जोन इसलिए रखा जाता है कि एक साथ में अगर सभी को आर जोन कर दिया जाए ऐसा मेरा मानना है तो एक की समय पे सब चीज़ें डेवलप करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इसलिए पॉकेट में अब ये नहीं मीरा भाइंदर में किसी की भी जमीन नहीं हो चाहे आपकी हो लैंड की हो किसी हो एनडी जोड नाम का शब्द ही नहीं है अब मीरा भाईंदर में और एन डी जेड जहाँ है भी तो वहाँ पे अब आप नया यूनिफाइड डीसीआर देखेंगे तो सारी चीज़ें उसमें परमिसेबल कर दी गई है तो आपको जो आरोप था वो आरोप में उतना तथ्य मैं नहीं मानता हूँ कि इसके लिए हुआ है और स्वाभाविक है कि हमने तो उसे चैलेंज किया है क्योंकि हमारा व्यक्तिगत मानना है कि वो डीपी आने वाले समय में घातक होगा आज से 1992 में डीपी हुआ था मतलब हम तो 32 साल पहले जो 32 साल पहले की सोच और आज की सोच में तो फर्क है कि नहीं लेकिन अब नहीं। मैं सिंपली पूछता हूं 32 साल पहले जिसने जो सोचा होगा उस समय की जरूरत और आज की जरूरत में फर्क है कि नहीं लेकिन ये पहला मीरा भाईंदर है जिसने जरूरत के हिसाब से आरक्षण बढ़ाने चाहिए थे इस डीपी के अंदर प्रो रेटा जो सरकारी नियम है उस रेशो के हिसाब भी आरक्षण नहीं बैठते आरक्षण कहां डाले तो सारे मैंग्रोव और सीआरबे वो क्या बनने वाले है क्या मतलब बिल्डिंग है तो बनेगी लेकिन सुविधा इसने ले मिलेगी क्योंकि सारे रिजर्वेशन मेजोरिटी रिजर्वेशन सिया मैंग्रोव पे डाले हुए इसलिए उस डीपी को हमने चैलेंज किया और मैं यहाँ से जाने के बाद सरकार से अपील ही करूँगा सदन में यह बात रखूंगा कि इस डीपी के ऊपर फेर विचार होना चाहिए चाहे सरकार बनाए चाहे नगर पालिका बनाए लेकिन फेर विचार होना जरूरी है आप उदाहरण देता हूँ भाईंदर मिरा वेस्ट का आप देखिए इतना बड़ा वो प्लॉट है एक ही कंपनी का प्लॉट है उसके अंदर रिजर्वेशन देके नाम पे गिन चुन के आप बताए मैं पेनकर पाड़ा की बात करता हूँ वहाँ पे गांव में प्लेग्राउंड रिजर्वेशन था उसे निकाल के आर्जुन कर दिया गया प्लेग्राउंड को पीछे जड़ में डाल दिया गया मतलब कभी बनेगा ही नहीं ऐसे बहुत सारी चीजें तो डीपी को हम चाहेंगे कि इसके ऊपर रिवाइज होना चाहिए फिर से सोचना चाहिए तभी ये आने का भविष्य आने वाला भविष्य इसका उज्ज्वल हो सकता है सर जैसे हाउसिंग फॉर डिजर्व इंद्रलोक में एक था अपना रिजर्वेशन उसको भी डिलीट कर दिया तो लेकिन उसमें कुछ प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास हो चुके हैं एग्री आपकी बात वो टेक्निकली रॉन्ग है वो इस तरह से हो ही नहीं सकता है कि एक रिजर्वेशन आधा डेवलप हो चुका है और आधे का जोन चेंज करोगे कैसा होगा दूसरा आपने जो हॉस्पिटल की बात की उस जगह आरजोनी है वंस द एक बार रिजर्वेशन अकोमोडेशन रिजर्वेशन के आपने म्युनिसिपैलिटी को 25% दे दिया तो बाकी जमीन आरजोनी है अब वो खाली उसका कलर चेंज हुआ है का हॉस्पिटल ही है उदाहरण दे रहा हूँ जमीन आरजो नहीं थी लेकिन सर रिजर्वेशन ही डिलीट कर दिया उसमें से मैंने आपको वही कहा है मान लो कोई भी अकोमोडेशन रिजर्वेशन हो इस शहर का एक बार मुंसिपल कॉर्पोरेशन को अपना हिस्सा मिल गया उसके अंदर का जैसे आज की पॉलिसी क्या है चालीस टका आप लैंड दे दो सात टका आपको जो करना है करो आप बिल्डिंग बनाओ मतलब आर जो है तभी बिल्डिंग बनाओ ना खाली उसके अंदर चालीस टका दे दिया तो अब गवर्नमेंट ने बोला हमारा चालीस मिल गया आप इसको पीला कलर कर दो हमको क्या फर्क गिरता है वैसे भी वो आर ओके okay. अगर मान लो ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल बनी होती तो डेफिनेटली ये बिल्डिंग कन्विंस करके देनी पड़ती है लैंडलॉर्ड को और रिडेवलपमेंट में आर जो नहीं बनता ये तो ऑलरेडी एक बार देने के बाद वो आर जोन हो गया है ओके थैंक यू सर जी सर ये बहुत ही क्रांतिकारी पत्रकार थे बहुत ही सुंदर सवाल पूछा और सेटिस्फाइड भी हो गए इसलिए हम आपको बहुत धन्यवाद सवालों से सर नमस्कार मैं Sir, Namaskar, मी भाविक पाटिल सर माझा प्रश्न होता की मीराबाईनमध्ये सगळ्यात जास्त तरुण आहेत या वेळेला पण सगळ्यात जास्त तरुण मतदारांची नोंद झाली आहे आपण म्हणता आम्ही युनिव्हर्सिटी बांधणार कॉलेज बांधणार आय टी पार्क आणणार पण सर्वसामान्य मुलांसाठी तुमचं काय विजन आहे तुम्ही म्हणता आम्ही सीबीएसई शाळा बांधली पण सर्वसामान्य लोक त्या शाळेत जाऊ शकत नाही तुम्ही म्हणता मार्केट रेट वाढला पण सर्वसामान्य लोक ती घरं घेऊ शकत नाही सर्वसामान्य लोकांसाठी आणि तरुणांसाठी तुमचं काय विजन आहे मुळात तुम्ही म्हणता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बांधलं हॉल बांधले शहरात सर्वसामान्यांसाठी ते परवडणार नाही त्यासाठी तुमचं काय विजन आहे सर्वसामान्यां लोकांसाठी मग एक समजून घ्या शहरामध्ये सर्व प्रकारची लोकं राहतात म्हणून सर्व प्रकारची सुविधा असणं गरजेचं आहे उदाहरण सांगतो काही लोकांची मुलं मराठी शाळेत असतील काहीचे अंग्रेजीमध्ये असेल आता स्वाभाविक आहे की अंग्रेजी शाळेची पण गरज आहे आणि मराठी शाळेची पण गरज आहे अंग्रेजी बांधली म्हणून असं म्हणणं होईल का की तुम्ही अंग्रेजी बांधली मग मराठी माणसा त्यांच्यासाठी बांधायला पाहिजे आम्ही महापालिकेची जेवढी शाळा होती चौदा एक ते एकोणीसमध्ये उत्तरमध्ये दोन शाळा उदाहरण सांगतो मुंशी कंपाऊंडला एक शाळा मला जवळ जाता हे माहीत पण साधारण सात शाळा आम्ही पूर्ण नवीन बांधली विथ द न्यू फॅसिलिटीज अँड अमेनिटीज कारण की त्या शालाचा दर्जा वाढावं दहावीपर्यंत शिक्षण मिळावं हे आहे अपने महतो विरोध होता आम्मी एक पॉलिसी आली होती मीरा भाईंदरला आता मैं उदाहरण संगत हा पट्टा अपने बगित महापालिक शाला बनली तरी ती या नहीं तरी ती ना ही पॉलिसी आज नहीं तो उद्या मत है जनतेपर्यंत तुम्हारा मध्यम जावा मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि सभी को समझे मीरा भाईंदर मुसिपल कॉर्पोरेशन के पास स्कूल के बहुत सारे रिजर्वेशन है लेकिन मीरा भाईंदर स्कूल अगर बनाएगी भी नहीं और बनाएगा तो चलेगी भी नहीं उदाहरण इसलिए हमने कहा है कि जिन जिन को हमने लीज के ऊपर दिया है उसने हमेशा मीरा महेंद्र कॉरपोरेशन के साथ गलती किया है वो अपने ही सुविधा चलता है आता हम, हमने तो ये निर्णय लिया कि हम जे भी करें जगह हमारी बिल्डिंग कोई और बांध 50 फिफ्टी फिफ्टी मैं एक ही स्कूल में पचास टका बच्चे म्युनसिपल कॉरपोरेशन के आएंगे और पचास टका जो बिल्डिंग बांधेगा उसके होंगे ऐसा जे भी डॉक्यूमेंट करा पाइजिए तो उससे दोनों तरह के और उसी स्कूल में जहाँ आपका मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसी शहर का दूसरा बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा एक ही प्रकार का एजुकेशन क्वालिटी मिलेगी ये हमारे उसके पीछे की सोच है जो आने वाले समय में हम लाएंगे अब एडमिशन कैसे देना तो उसकी भी पॉलिसी हमने फ्रेम की थी कि जितने भी एडमिशन एक तारीख के पहले आएंगे बिलो पोवर्टी लाइन के जो नीचे रहेंगे उनको पहले दिया जाएगा और लकी ड्रॉ करें तो जैसा नाव निगेर समजा एखादा पन्नास ॲडमिशन अवेलेबल तर ज्याचं नाव लिहिलं त्या पन्नास मुलांना तिकडे शिकवायचं एकाच दर्जाचं भेटेल हे आमचं स्वप्न या शहरांचं विद्या एज्युकेशनसाठी आहे आता मी सांगितलं आय टी पार्क कॉर्पोरेट हे जे काय आज जेवढी काय तरुण मंडळी आहेत ते नाईंटी फाय पर्सेंट व्हायला एज्युकेटेड एक्झाम्पल कमी जास्त होऊ शकतात परंतु ह्या शहरामध्ये त्यांना रोजगार कुठे जॉब कुठे म्हणून ते आय टी पार्क असेल की एखादा कॉर्पोरेट असेल किंवा उद्योग असेल तर नोकऱ्या निर्माण होतील आणि व्यापारी निर्माण होतील म्हणून हे तरुणांसाठी आता साठ सत्तर वर्षाचा माणूस जॉब जात नाही ही जे येणारी तरुण पिढी आहे जे मुंबईला जाते त्यांना मीरा त्याला जॉब मिळावा हे आमचं स्वप्न तरुणांसाठी आहे सर तुमच्यावरती आरोप होतोय विरोधांकडून की तुम्ही अडीचशे कोटी रुपये खर्च करून तिकीट विकत घेतलं त्या संदर्भात तुमचं काय मत ज्याला हात त्याला उत्तरच काय देऊ मग एक मला सांगा त्यांनी किती ऑफर केले होते की आम्हाला अडीचशेला दिलं त्यांनी किती ऑफर केली होती के की अडीचशेला गेला तुमचं असं साहेब मी पॅन्ट घ्यायला गेलो मला दीडशेला दिलं नाही तुम्ही दोनशेला घेतलं म्हणून तुम्हाला दिला बघा फालतू आरोप आहे महापौरी होते त्यावेळी कितीला मग तिकीट घेतलं भारतीय जनता पक्ष कधी ह्या पैशाचा भानगडीत पडत नाही आणि आजच्या तारखेला असं माझं मत आहे मेजॉरिटी कुठलाही पक्ष असू द्या त्यांना विनिंग कॅन्डिडेट पाहिजे हेच मॅरिट आहे आजच्या तारखेला जो exactly. निवडून येऊ शकतो त्याला तिकीट द्यायला पाहिजे हे सर्व पक्ष बघतात इतर मी तर कधी जाणार नाही पण दुसरा पक्षात गेलो असतं तर मला तिकीट दिलं असतं की नाही दिलं असतं मला चार पक्षांनी बोलवलं उदाहरण सांगतो पण आम्ही घेतलं का ते काय पैसे थोडी देत होते किंवा घेत होते इच्छा होती के विनिंग जो तो आमी इतर फिर तो अजीब थो से आ ये आ आ तो सर, शहर सर, 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 सर में जहां आप डेवलपमेंट की बात करते हैं वहीं पे आपके ऊपर आरोप लगता है कि मेट्रो और सूर्या प्रकंड योजना आपके वजह से रुका हुआ है इसके ऊपर क्या सफाई देंगे मैंने भी ये सुना कि वो आजकल भाषण कर रहे हैं कि पानी का प्रोजेक्ट नरेंद्र मेहता की वजह से रुका हुआ है इसलिए मुझे वोट दो <laughs> उनका ऐसा कहना है तो एक मिनट के लिए मान के लाओ मैं क्या भाई दर छोड़ के जा, मेरे वजह से रुका है तो वापस जीत के अगर आप आओगे नहीं आए तब क्या नरेंद्र मेहता से कैसे करोगे आप तब भी तो मैं हूं एक मिनट उनका सवाल हो जान दो आप समझे मेरे वजह से अगर रुका है तो मैं कहीं जा रहा हूं क्या कल आप कैसे करोगे और मैंने ज्योतिष को कुंडली बताई अभी कम से कम बीस पच्चीस साल जीने वाला हो <laughs> और इसी शहर तो में रहने वाला हो तो उनका ऐसा अगले चुनाव में कहेंगे जब तक मेहता साहब जिंदा है तब तक हो नहीं सकता ऐसा कहेंगे क्या ये बकवास बात है कोई लेना नहीं देना दूसरी बात जितना काम हुआ है वो हेलीकॉप्टर से हुआ है क्या वो काम कैसे हुआ है ये झूठे आरोप पतलापुर खुश कर नहीं पाए तो दूसरे की लाइन छोटी करो ऐसा कुछ भी नहीं है उनके पास जगह भी है उनके अपने टेक्निकल इश्यूज होते और दूसरी बात केवल उतना ही काम बाकी है क्या उतना ही काम बाकी है क्या सूर्या प्रकल्प का बहुत सारे पाइपलाइन बाकी है अंडर सी का पाइपलाइन बाकी है वो रुका है अंडर सी का पाइपिंग बाकी है वो रुका है फिर बहुत सारा कनेक्टिविटी बाकी है मैं जनता से कहना चाहूँगा ऐसे विश्वास ना करे ये खुद कुछ नहीं करते इसलिए दूसरे पे डाल दो इस चुनाव में आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहेंगे, ला। चाहेंगे? देखिए बदलाव का ऐसा है कि जो जो चुनाव हारने के बाद मेरे दोस्तों ने मित्रों ने जनता ने जो जो सुझाव दिए उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और वैसा अपने आप बदलाव करने की कोशिश करता हूँ अगर आप कहेंगे सर आपको ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए मैं कोशिश करता हूँ मैं वैसा करूँ इस तरह धीरे धीरे बदलाव आए सर नमस्कार अगे, मैं अमित तिवारी नवभारत टाइम से सर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि शिक्षा शेरनी सेर्न, का दूध है कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने हाँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा सर मैं देखता हूँ कि चुनाव में शिक्षा जो है ना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता है मैं मीरा भाइंदर की बात करूँ सर तो छत्तीस विद्यालय मीरा भाइंदर मनपा चलाती है लेकिन उसमें केवल नौ हज़ार बच्चे पढ़ते हैं अगर उसका कारण मैं ढूंढूँ तो वो एजुकेशन क्वालिटी मतलब वहाँ शायद वही लोग एडमिशन लेते हैं जो बाकी जगह अफोर्ड नहीं कर पाते मजबूरी में तो मेरा प्रश्न आपसे ये होगा कि इस चुनाव में आप शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा नहीं सर स्कूल की बिल्डिंगें तो बनी जाएंगी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करें क्योंकि शिक्षा विदाउट गुणवत्ता उसका कोई अर्थ नहीं है सर देखिए क्वालिटी एजुकेशन अभी अभी मैंने जो कहा दो मिनट पहले कि मीरा महिंदर कॉरपोरेशन के स्कूल के अंदर हम उतना दर्जा नहीं बढ़ा पाए जितना हम सोचते हैं इसके लिए हमने कहा था कि अब हम प्राइवेट लोगों के साथ जेवी करेंगे ताकि जो एक हम कह सकते हैं आपके और मेरे बच्चों को जो एजुकेशन मिलता है वही एक सामान्य परिवार के बच्चों को भी एजुकेशन मिले ताकि शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर सुधार हो दूसरा अगर हमारा अगर मैं व्यक्तिगत है कोई से अन्यथता ना ले अगर मेरा बच्चा तो कल ही सारे कॉरपोरेशन के इलेक्शन चुनाव इलेक्शन स्कूलें बंद कर दूं और सभी को कहूँ इनको आप पैसा दीजिए चेक दीजिए जो स्कूल इनको पसंद है मीरा भाईंदर की चाहे इंग्लिश हो महाराष्ट्रीय हो उस स्कूल में जाए फीस मीरा भाईंदर मुंसिपल कॉरपोरेशन भरे उसका रीज़न ये कि आज अगर मैं देखता हूँ तो नॉर्मल स्कूल की जो फीस है वो पच्चीस और पैंतीस हज़ार हज़ार के आसपास होगी लेकिन मीरा भाईंदर के हर बच्चे की स्कूल के एक्सपेंस जो है वो अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ लेता हूँ तो वो करीबन पचास हज़ार से ज़्यादा जाती है मोर देन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ वो हमारी एक बच्चे के पीछे कॉस्टिंग आती है तो इससे अच्छा तो हम उसको चालीस हज़ार रुपये का चेक दे देवे भैया जहाँ पढ़ना है अपनी सुविधा अपने घर के बाजू में जो ठीक लगता है वो स्कूल में पढ़े ये हमारी सोच है लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक देश में इस तरह से हो नहीं सकता है इसलिए शायद उस पर पहल नहीं हुई मेहता जी नमस्कार विजय मैं विजय मनोदय न्यूज़पेपर शहर में आज भी लोगों के अंदर कमल यानी वो आग बंद करके वोट करते हैं लेकिन नरेंद्र मेहता यानी भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी ये आज भी चर्चा है तो इस पे आप किस तरह से ये इस बात को मिटाना चाहेंगे बगा क्या है कि आरोप को प्रमाण पत्र लगता नहीं है आरोप को प्रमाण पत्र लगता है क्या नहीं लगता है उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँगा जितने आरोप लगे एग्जाम्पल तो पाँच साल आपकी सरकार थी ना कभी तो आके बोलते कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ या म्यूंसिपल से वो फाइल निकालते या गवर्नमेंट से वो फाइल निकालते आपने किसी को भी हाथ क्यों नहीं लगाया फिर